नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है, जिसका नाम है रेनू डबराल ब्लॉग्स और मेरा नाम है रेनू। और आज है 26 जनवरी का दिन, यानी कि रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और सुबह 8 बजे का लगभग समय यहाँ पर हो रहा है और मेरी पूजा हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह रेनू ने कैसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो वो इसलिए कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। और यहाँ पर जो मेरी वीडियो थोड़ी बहुत बना रहे हैं वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, जो कि कभी नहीं बनाते, लेकिन कभी उनका मूड आ जाता है तो वो बना देते हैं। और यहाँ पर है अनवी, जो हमारे घर की सबसे लेजी इंसान है, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है तो सबसे ज़्यादा जो देर लगाती है तैयार होने में वो है अनवी। तो इसको बड़ी मुश्किल से मैं उठाती हूँ, फिर तैयार करती हूँ, और उसके ड्रामे चलते हैं कि ये वाले कपड़े क्यों निकाल दिए, मैं वो वाला पहनूंगी, ये सॉक्स क्यों निकाल दी, मैं वो पहनूंगी। मतलब उसको जो मुझे देना होता है उसका उल्टा उसे बोलना होता है। तो मतलब ये कलाकारी उसकी हर बार की है, ये ड्रामा उसका हर बार का होता है, जो चलता रहता है हमेशा की तरह। और मैंने तो लगभग अपने सारे काम कर लिए हैं, मतलब मेरी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, नहा धोना आपने देख ही लिया है, पूजे वगैरह मैंने कर ली है। बस अनवी रेडी हो जाए तो हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर जो है मेरे पति देव अपनी बेटी के शूज़ क्लीन कर रहे हैं। अब शूज़ तो हम धो नहीं सकते क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो अपने दर्शन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है, तो शूज़ सूख नहीं सकते, तो वॉश भी नहीं हो रहे हैं, तो उसको ऊपर से ही हम क्लीन कर रहे हैं मेरे पति देव। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अपनी बेटी को ज्ञान की बातें भी बता रहे हैं, कुछ कुछ ज्ञान बांट रहे हैं। तो अगर आप भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री आशीष भौखंडी महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और उनके फेस पर आज जो है खुशी भी बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि आज वो अपने घर कोटद्वार जा रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके। और यहाँ पर सुपर वुमन की तरह मैं निकल पड़ी, एक हाथ में सूटकेस लेकर एक हाथ में बैग लेकर। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ, कान में सामान रखती हूँ, तो मेरे पति देव भी मुझसे खुश हो जाएंगे और काम फटाफट हो जाएगा और हम जल्दी से निकल पड़ेंगे। क्योंकि सही से टाइम से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि टाइम से निकल जाओ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कार के पास पहुँची, डिक्की खोलने लगी तो कार थी बंद, क्योंकि की तो मैं लेकर ही नहीं आई थी। चार बातें अलग से मुझे सुनने के लिए मिल गई पति देव से, कहने लगे, तुझे तो मैंने बोला था कि लेकर जा। अरे यार, उन्होंने कब बोला था, मैंने सच में नहीं सुना। तो कभी कभी ना जल्दबाजी में ऐसा काम हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पर चलिए फाइनली मेरे पति फिर नीचे आ गए थे और यहाँ पर वो सामान की सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चाहे हम दो दिन के लिए जाएं, सामान इतना हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? भाई हमारे साथ तो ऐसा होता है कि सामान रख ही लेते हैं, चाहे तो हम दो दिन के लिए क्यों ना जाएं। तो यहाँ पर मेरे पति देव ने सामान की सेटिंग करी, उसके बाद हम निकल पड़े। लेकिन अभी हमें करना है जीतू भैया, जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, उनको पिक करना है हमें विनोद नगर से। और वो भी हमारे साथ कोटद्वार जाने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ना कॉमेडी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ सफ़र करने में। और हंसते खेलते मजाक करते हुए सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया है और यहाँ पर हम उतरे हैं चाय पीने के लिए और कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि एक तो कड़ाके की ठंड हो रही है और ठंड में हम चाय ना पिए तो ऐसा कैसा हो सकता है। और हम उन लोगों में से नहीं है जो घर से चाय नाश्ता लेकर चलते हैं, भैया उन दुकानदारों का क्या होगा जो हमारे जैसे लोगों के इंतजाम में रहते हैं कि ये रुकेंगे और हमारी शॉप से कुछ लेकर खाएंगे पियेंगे। तो बस यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो अनवी से पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको तो चाहिए थे चिप्स, क्योंकि उसको चिप्स ही पसंद है और कुछ वो खाती नहीं है। लेकिन मैं वैसे उसको चिप्स देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सफर में चलता है। और वैसे आप कमेंट कर मुझे ये भी बताइए कि जब आप किसी जर्नी पे जाती हो, सफर में जाती हो, तो चाहे घर से आप कितना भी कुछ लेकर चलो, बाहर से तो आदमी कुछ ना कुछ खाता ही है, क्योंकि सफर में अगर हंसते गाते हंसी मजाक करते वक्त खाते पीते जाया जाए ना, तो उसका मजा ही अलग होता है ना। तो यहाँ पर हमने चाय मट्ठी ले लिया है, उसको करा एंजॉय। मेरा बाईपास में हम लोग अभी रुके हुए हैं और कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा, ठंड भी हो रही है, तो ठंड में जो है चाय का मजा और साथ में मट्ठी का मजा
दिया जा रहा है रेणु के साथ में। और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं भैसोमा, ये हमारा सेकंड स्टॉप होता है और जब भी हम कोटद्वार जाते हैं तो यहाँ पर जरूर रुकते हैं और यहाँ की समोसा चाट और चाय ज़रूर हम खाते हैं और चाय एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर जो इसकी यहाँ मिठाई मिलती है ना अनु स्वीट्स के यहाँ, ये भी फ्रेश होती है और खाने में भी टेस्टी होती है, तो वो हम ज़रूर लेते भी हैं यहाँ से मिठाइयाँ। तो यहाँ पर बस हमने समोसा वगैरह खाया, चाय वगैरह पी, उसके बाद क्या हुआ ना, मैं क्या करती हूँ ना कि बोल बोल के ना भैया से तीन चार तरीके की मिठाइयाँ टेस्ट करवा लेती हूँ कि भैया ये टेस्ट कराना वो टेस्ट कराना, मतलब मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ। आप में से कौन ऐसा करता है कभी कभी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। चलो चलो जाके इलाज कराओ अपना। भैसोमा से निकल गए, अब हमें जाना था मीरापुर जो हमारा तीसरा स्टॉप होता है और यहाँ पर हमें करना था लंच। लेकिन क्या हुआ ना कि उसके बाद हम जो है बातें करने में इतने मगन हो गए, तो मगन हो गए कि हम मीरापुर पे रुकने के बजाय सीधे हमने मुजफ्फरनगर वाला रास्ता पकड़ लिया। मतलब कि हम बातों में इतने ज़्यादा मगन हो गए थे सब लोग कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कब मीरापुर आया। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बातें करते रहते हैं और पता है मैं उस टाइम पे कार में ना बैठे बैठे ये भी सोची थी कि अभी तक मीरापुर नहीं आया, मीरापुर नहीं आया, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है भैसोमा से मीरापुर, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी मीरापुर आने वाला है, अभी आने वाला है, हो सकता है टाइम लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा कार भी स्लो चल रही थी धुंध की वजह से, तो ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा सा दूर होगा। तो बस वही हम बातें करते रहे, तो बातें के चक्कर में ना ना जीतू भैया ने मतलब ध्यान दिया, ना आशीष ने, ना मैंने, बल्कि अनवी ने बोला कि हाँ पापा मैंने देखा था मीरापुर आया, लेकिन उसने भी काफ़ी टाइम बाद बोला जब हम काफ़ी आगे निकल गए थे। तो वही हमें खतौली में कहाँ चले जाएंगे हम, वही तो वो भाभी वाला रास्ता जिसमें खतौली के लिए कटता है अंदर के लिए, मतलब वहाँ पे तक हम सही थे। अच्छा मैंने कहा नहीं खतौली वाला के तो छोड़ो बना दिया उन्होंने, उस रूट में बहुत पीछे से पता नहीं कहाँ घुस गए इसमें। हम तो बस यही सोच रहे थे कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है ट्रैक लगे। लेकिन ये जो रास्ता है ना ये मीरापुर से ही ज्यादा स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट चला जाओगे तो वहाँ राइट में जाओगे तो गोल रास्ता, वो तो बिल्कुल अलग रास्ता होता। अभी चलते रहो, चलते रहो भाई। तो हम 30 किलोमीटर आगे चले गए थे गलत रास्ते पर, मुजफ्फरनगर वाले रास्ते पर चले गए थे, वापस आ गए तो यहाँ पर ढाबे में थोड़ा लंच वगैरह करेंगे। आओ क्या, और ये सब इनकी गलती है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। 30 किलोमीटर आगे ले मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मुझे फर्नर कल देखे जब मारते मारते जाना था बिजनौर, हम यहाँ खाने के लिए रुकते हैं आपके पास। हमने कहा आया कि नहीं वहाँ पहुँच गया 30 किलोमीटर बाईपास में पहुँच गए। बताओ मैं पता नहीं चला कैसे थे हम। तो ये दोनों के दोनों जो है मुझे आज 30 किलोमीटर आगे ले गए और इन्होंने मेरा 30 किलोमीटर का तेल हुआ है आज। अब बुक है, बुक अब वापस करेंगे, अब मेरे को पैसा है ना, ठीक है ब्याज सहित वापस चाहिए मुझे, ठीक है। ठंडी तो नहीं है? हाँ और अनवी अनवी को जो है दिख गया था, इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ पर जाना है और अनवी ने बताया नहीं। क्या ऑर्डर किया भाई? आलू प्याज के पराठे और चाय और मक्खन बटर अचार। दही खाने? नहीं चाय के साथ दही। नो नो नो, हाँ चाय के साथ दही खाने के लिए, उसे समोसे के साथ चाय के। थोड़ी देर भाभी जी और रहे ना, ये हमें भी एक दोबारा और रास्ता खिलाई देगा। कच्चा बच्चा कुछ भाई, कुछ नहीं तो मैं डेवलपमेंट दिखाया मैंने कि हमारे देश का डेवलपमेंट कितना चल रहा है। हम कह रहे हैं खास कर मुजफ्फरनगर वाले रूट के जो हमारा मेन रूट है, हम कह रहे हैं इतना काम चल रहा है भाई, इतना काम चल रहा है, ये बताओ मैं कहीं अंडरपास भी कहां से निकाल। तो तुमको मैंने मोदी इनको मोदी जी का डेवलपमेंट दिखाया मैंने 30 किलोमीटर हम लोग जो गलत चले गए। हैप्पी जी का हैप्पी से पूछो होटल है, होटल है दिल्ली में। देखो उसे बोरे फोटो खिंचवाने का शौक है बहुत,
अच्छा तो भाई खुद करो कैसे लेते फोटो, और किसी शादी आदि में चले जाओ ना जैसे कहीं पे, और इनको बोलो ना फोटो ले लो। क्यों नहीं लेंगे भाई, मेरा यही काम है क्या, मेरा यही काम है क्या, पति का यही काम है क्या वीडियोग्राफी करने का। तो कितना बोलते हैं तुम्हें, एक फोटो दो फोटो लेने के लिए? बहुत समझ रखा क्या, तो क्या समझ रहा है कैमरामैन, तो क्या हो गया अब तुम्हारा, उसको कैमरामैन दिलवा दे, नहीं तो आज भी मतलब आपने सारा एंटरटेनमेंट छोड़ के एंजॉयमेंट छोड़ के वो लगा रहे हैं। नहीं वो तो बोलो हम ऐसे है भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट निकालते हो तब। ये ना एक महीने तक सुनाती रहती है, तुम तो फोटो भी खींचते हो, दूसरों के हस्बैंड को भी फोटो खींचते रहे, साथ फिर लेते कसम खाई थी ना भाई, सुख दुख में अरे दूसरों की फोटो बड़े हिसाब से खींचे, ऐसे करे तुमने दूसरों की फोटो खींचने की हमसे शादी करी एक फेरे में, ये भी भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो बोला, मैं भूख नहीं गया, फिर 30 किलोमीटर आगे गए, फिर भूख बढ़ाई, फिर कर मेरा मेरा पूरे को पराठा चल आ जाओ ले लो। गाना देखो कितने पे चला रखा, सही है कुछ नहीं आया ना, खा ले बेटे, अरे खा लेना जितना छोटे, अनवी ट्राई तो करेगा, बाकी हम खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये दियो चाय, ये लो लो, ये आता है बहुत ज्यादा डाल देते हैं मोटे मोटे, पर आलू प्याज के मस्त गर्मा गर्म पराठे खाने के बाद हम निकल पड़े हैं आप कोटद्वार के लिए। तो अब तो बस यही लग रहा है कि फटाफट घर पहुंचे, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था उस हिसाब से जिस हिसाब से हम घर से निकले थे। अभी नहीं देखो देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है, खुश है, खुश छोटू, ये क्या देख लो तुम, वो देखो खेलने के लिए तैयार है, वो तो इसे देख रहा कैसे ले जा रही है क्या चलो सामान। अरे जल्दी कर गुड 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 हाँ ठीक बढ़िया मम्मी प्रणाम। प्रणाम कर दे। बालू बालू है तू मम्मी के साथ ही बैठेगा है, अभी तो गाड़ी में घूम के आ रहा है। ना मंदिर वाला बताना, मंदिर वाला किस्सा क्या? अच्छा हाँ, मंदिर पे मैं एक दिन पूजा करने गई, इसको लेके गई और मैं 2 मिनट इसी में मैंने कहा हाथ जोड़ दो। अच्छा और मतलब पहली बार ही ले गई थी इसको,
और ये यहाँ से यहाँ आ गया वो बारे में महब की कानों में गया मतलब डर डर के मैंने कहा कहाँ चला गया और देखा जहाँ कुर्सी पे खेल रहा हूँ भाई बना चिरंजीव सौभाग्यवती सौभाग्य लेट हो गया था ना पूरे दिन भाग आ गया और ये परेशान था भाग गया शाम को खाएंगे शाम को अब शाम को ही खाएंगे ना ना लेट हो गया था ना फिर मैंने फोन भी किया था एक्चुअली हम गलत चले गए थे फिर 2 बजे बनाए मैंने चावल अभी गर्म ही होंगे हॉट केस ना 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 अभी भूख नहीं लग रही खा लेंगे तो सुनो सही तो अब जो है ना रेणु के पास चमत्कारी शक्ति आने वाली है शिव जी की तीसरी आँख तो फिर जैसे महाकाल को गुस्सा आता है तो वैसे हाँ तब निकलेगा हरे में हो सकता है उसमें होते हुआ हमें सही ये देखिए बिल्ली पीछे से खींचो ना लो ये लो आप कलाम खींचो खूब सा देखो 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 काविश उसे पहले लगा ही पता नहीं कहाँ बिठा रही मुझे अकेले ये भी